नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम एकश्लोकी भागवत को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब जरूर कर ले पहले, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब लोग नहीं कर पाते हैं, तो सब्सक्राइब पहले करें और बाद में लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एकश्लोकी भागवत। जैसा कि आप जानते हैं कि भागवत भक्तानाम चरितम इदम भागवतम, भक्तों के जिसमें चरित्र निश्रित हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत के इस एक श्लोक के पाठ से पूरे भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। इस भागवत के इस एक श्लोकी भागवत के पाठ करने से पूरे भागवत के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अगर कहीं पितृदोष हो तो इसके पाठ नित्य करने से 11-21 पाठ करने से पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम लोग एक श्लोकी भागवत का पाठ करते हैं। आदौ देवकी देह गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम एतद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। दर्शकों, ये था आज आप लोगों के लिए एकश्लोकी भागवत का पाठ। अगले वीडियो में हम चतुश्लोकी भागवत के बारे में आप लोगों को बताएंगे और चतुश्लोकी भागवत लेकर के आएंगे वीडियो में। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और भी अगर आप लोगों को लगता है कि किसी प्रकार का वीडियो हमें बनाना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएँ, कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। और भी जो भी कुछ समस्या हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। धन्यवाद।